21st सेंचुरी में ट्रांसपोर्टेशन का अंदाज ही बदल गया है। करोड़ों की साइकिल से लेकर अरबों के प्लेन और चॉपर्स तक पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहे हैं। पर आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे व्हीकल्स जिसे देखकर ना आपको चॉपर अच्छे लगेंगे और ना ही प्लेन। हैदराबाद तेलंगाना, जहाँ की सड़कों पर आपको कुछ अनोखे नजारे भी देखने को मिल जाएंगे, जिनकी वजह है यहाँ के सुधा कार्स म्यूजियम, जहाँ आपको मिलेंगी एक दो तीन नहीं करीब 42 तरह की सेल्फ मेड वैकी कार्स, जैसे कैमरा कार, कंप्यूटर कार, बेड कार और भी कई ऐसी कार्स हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे सुनिए। इस म्यूजियम में 50 अतरंगी बाइसिकल्स और ट्राइसिकल्स भी हैं और 12 महा अतरंगी मोटरसाइकिल्स भी हैं। मतलब भैया, बनाने वाले ने भी बड़ी फुर्सत में ये कलाकारी दिखाई है और इस कलाकारी को देखने हर रोज करीब 2000 लोग यहाँ पर आते हैं। अब मिलते हैं द मैन बिहाइंड ऑल दीज वैकी स्टफ, इस म्यूजियम के क्रिएटर सुधाकर यादव जी से, और जानते हैं कि ये सब बनाने में उन्होंने शुरुआत कब की। ये मेरा बचपन का शौक था, इसे मैंने 14 साल की उम्र में शुरू किया था। इससे पहले मैं साइकिल्स बनाता था और फिर मैंने मोटर बाइक बनाना शुरू कर दिया। पर एक कॉमर्स स्टूडेंट के मन में उठी इस इंजीनियरिंग की चिंगारी को आग बनाने की हवा कहाँ से मिली, आइए खुद ही जान लेते हैं। मैंने ये हुनर सड़क के किनारे काम करने वाले मैकेनिक से सीखा। मैं कबाड़खाने में जाकर इंजन और पहियों की स्टडी करता था। मेरे ज्यादातर व्हीकल्स 80-90% कबाड़ से बने हैं, स्क्रैप से होते हैं। आइए आपको कार्स दिखाते हैं। इन कार्स में अलग अलग इंजन लगे हैं, जैसे स्कूटर का इंजन, मारुति का, और तो और ऑटो रिक्शा का इंजन भी नहीं छोड़ा है भाई साहब ने। एंड कैन यू बिलीव, दे कैन एक्चुअली गो अप टू द स्पीड ऑफ 40-50 किलोमीटर पर आवर। इन्हें लेकर हम देसी फास्ट एंड फ्यूरियस तो बना ही सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो मार्केट में एक एवरेज फैमिली कार 3-4 लाख से शुरू होती है, पर यहाँ सुधा कार्स की प्राइस रेंज है 25,000 से 3 लाख रुपए। पर एक्सक्यूज मी, इतना खुश मत होइए, बिकॉज दीज कार्स आर नॉट फॉर सेल। सुधाकर जी ने 12th स्टैंडर्ड में ही कार्स बनाना शुरू कर दिया था और उनकी पहली कार थी एक एग्जीबिशन के लिए ये स्टनिंग रगेड लुकिंग ड्यून बग्गी। जनाब ने खास मौकों के हिसाब से कार्स बनाई हैं, कॉज के हिसाब से भी कार्स बनाई हैं। वाओ, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पैशनेट कार लवर। पिंजरे की गाड़ी, मैंने एक पिंजरे की गाड़ी बनाई, फिर एड्स के लिए जागरूकता फैलाते हुए कॉन्डोम कार बनाई। भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मैंने एक बैट और बॉल भी बनाया। जब हार्लेम ग्लोबटॉटर्स भारत में खेल रहे थे तो मैंने बास्केटबॉल के शेप की कार भी बनाई। जब हैदराबाद में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुई तो मैंने स्नूकर टेबल कार बनाई। जर्मनी में हुए फीफा कप के लिए मैंने फुटबॉल कार बनाई। इस तरह मौके के मुताबिक मैंने बहुत सारी कार्स बनाई। म्यूजियम में आने वाले सभी लोग सुधाकर जी की क्रिएशंस को बेहद पसंद करते हैं और हर कार के साथ सेल्फी खिंचाए बगैर नहीं जाते। किसी चीज को भी कार में बदला जा सकता है, ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। मुझे ये कंप्यूटर वाली कार पसंद है। सुधा कार्स कमाल की हैं। लाइफ में एक बार तो इस म्यूजियम में आना ही चाहिए। अब भाई, जिन जनाब की क्रिएटिविटी के इतने दीवाने हैं, उनका ऑफिस भी कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा। पूरा ऑफिस स्क्रैप को रिवैम्प करके 3 साल में बनाया गया है, जैसे ऑस्टिन सस्पेंशन का सेंटर टेबल, पेट्रोल बंक का कबर्ड, मड गार्ड के सोफाज, टेल लाइट्स की घड़ी, यहाँ तक उन्होंने फोर्ड के फेमस मॉडल टी गाड़ी को ऑफिस टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। डूड, इसे कहते हैं टशन। इन लाजवाब होममेड वैकी कार्स के लिए सुधाकर जी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइसिकल बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सुधाकर जी का ही है। इनकी इस ट्राइसिकल का एक व्हील जिराफ की एवरेज हाइट जितना 17 फीट ऊंचा है और ओवरऑल ऊंचाई है 41 फीट 7 इंचेस, यानी 3 एवरेज बसेस की हाइट से भी ऊंची है ये ट्राइसिकल। और तो और, अब वो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो है एक शख्स द्वारा सबसे ज्यादा वैकी कार्स बनाने का रिकॉर्ड, और सुधाकर जी ने क्रिएट की है अब तक 42 वैकी कार्स। अजीबोगरीब कार्स और यूनिक साइकिल्स और मोटरसाइकिल्स वाला ये म्यूजियम बना है अतरंगी कारीगरी और साइंस के पैशन से, जिसे देखने पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे आइडियाज को रियलिटी की शक्ल देने वाले सुधाकर जी को OMG ये मेरा इंडिया करता है सलाम।